नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है ये रेडियोग्राफिक फिल्म का दूसरा भाग है इस भाग के अंदर हम लेटर इमेज फॉर्मेशन और क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे आज का टॉपिक है लेटर इमेज फॉर्मेशन लेकिन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल के स्ट्रक्चर और उसमें पाई जाने वाले डिफेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ लेटन इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस सेकेंडली आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ए वीडियो कॉल्ड रेडियोग्राफिक फिल्म पार्ट वन प्लीज़ डू वॉच डेट वीडियो आई हैव गि लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो लेट्स एक्सप्लोर इट इमर्शन होमोजेनिकस मिक्सर होता है जेलेटन और सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल का सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल लाइट सेंसटिव होता है सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल में सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड होता है जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड की मात्रा नब्बे से 99% नाइन परसेंट होती है और सिल्वर आयोडाइड की मात्रा एक से दस परसेंट होती है वेन सिल्वर नाइट्रेट मिक्स विथ पोटाशियम ब्रोमाइड वी गेट सिल्वर ब्रोमाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट अब सवाल उठता है सिल्वर आयोडाइड को क्यों मिक्स किया जाता है सिल्वर आयोडाइड के मिक्स करने से जो इमल्शन प्रोड्यूस होता है उसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होती है टूवर्ड्स लाइट प्योर सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसकी लाइट सेंसिटिविटी काफ़ी कम होती है इसीलिए सिल्वर आइडाइड को मिक्स कर दिया जाता है टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ इमल्शन सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आइडाइड के मिक्स होने से जो हमको क्रिस्टल मिलता है उसको हम सिल्वर आइडोब्रोमाइड क्रिस्टल कहते हैं जो इमल्शन के अंदर एक क्रिस्टल के रूप में होता है और सस्पेंडेड रहता है इन द जलेटिन इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आयंस ऑफ सिल्वर ब्रोमीन एन आयोडीन अरेंज इन ए क्यूबिक लेटिस देखिए ये क्रिस्टल तीन आयन को मिलने से बनता है जो अरेंज होते हैं इन क्यूबिक लेटिस के अंदर जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं ये सिल्वर आइडोब्रोमाइट क्रिस्टल का डायग्राम है इसके अंदर जो जो ग्रीन डॉट हैं वो आयोडीन uh, आयन है और जो रेड डॉट है वो ब्रोमिन आयन है और जो ब्लैक डॉट हैं वो सिल्वर आयन है और ये जो पूरा डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर तीनों के तीनों आयंस क्यूबिक लैटिस के अंदर अरेंज है और जो आप ये जो सिल्वर आयन देख रहे हैं इसको हम इंटर सीशियल सिल्वर आयन बोलते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं और जो आप सेमी सर्कल देख रहे हैं ये सेंसिटिविटी सेंटर हैं जो लेटेड इमेज फॉर्मेशन में बहुत सहायक होते हैं चलिए आप क्रिस्टल के साइज़ पर भी नज़र लेते हैं क्रिस्टल का जो साइज़ होता है वो वन से वन पॉइंट फाइव माइक्रोन के बीच में होता है वन माइक्रोन इक्वल टू होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ईच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इमल्शन कंटेन सिक्स पॉइंट थ्री इंटू टेन पावर नाइन क्रिस्टल्स वन ग्रेन ऑन एन एवरेज कंटेन वन टू टेन मिलियन सिल्वर आयंस क्रिस्टल डिफेक्ट इट इज़ अ वेरिएशन इन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए क्रिस्टल क्रिस्टल के एटम्स और मॉलिक्यूल के रेगुलर अरेंजमेंट में जो बदलाव होता है उसको हम क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं सिल्वर हेलट क्रिस्टल में मुख्यतः ये तीन तरह के होते हैं पॉइंट डिफेक्ट सेकेंड लीनियर डिफेक्ट तीसरा केमिकल सेंसिटाइजेशन इन पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली वट हैपन सिल्वर आयन मूव आउट ऑफ इट नॉर्मल पोजिशन एंड बिकम इंटिशियल सिल्वर आयन विच मूव्स फ्रीली अराउंड इन अ क्रिस्टल जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिल्वर आयन ने अपनी नॉर्मल पोजिशन को छोड़ दिया है एंड बिकम फ्री और इसी मूवमेंट की वजह से जो डिफेक्ट पैदा होता है उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं लीनियर डिफेक्ट इटाकर वेन क्रिस्टल कंटेन मिसअलाइंट प्लेन्स ऑफ एटम्स they are are referred as dislocation Dislocation since atoms are dislocated from their position in 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 the 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 lattice. Dislocation is line imperfection crystal. crystal Iodine ions stain the crystal in this way. के अंदर, crystal के जो एटम्स होते हैं उनके प्लेन जो होते हैं वो मिस अलाइन होते हैं या आप कह सकते हो डिसोकेटेड होते हैं इसीलिए हम इस डिफेक्ट को डिसोकेशन के नाम से भी जानते हैं डिसलोकेशन जो होता है क्रिस्टल के अंदर एक लाइन इनपरफेक्शन होता है और आयोडीन आयन होता है इसी प्रकार से क्रिस्टल के अंदर स्ट्रेन को पैदा करता है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जब मिस्त्री दीवार को बनाता है तो ईंटों को एक दूसरे के ऊपर यूनिफॉर्मली प्लेस करता है अगर गलती से मिस्त्री ईंटों की एक लाइन को मिसअलाइन कर दे तो उससे दीवार के ऊपर एक स्ट्रेन पैदा हो जाएगा उसी प्रकार आयोडीन की जो प्रेजेंस होती है वो सिल्वर हेलाइड क्रिस्टल के अंदर स्टेन पैदा करती है जब हम लेटेड इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो केमिकल सेंसिटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलिथायो यूरिया जो एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जब इसको इवेंशन में मिलाया जाता है तो केमिकल सेंसिटाइजेशन प्रोड्यूस होता है सल्फर कंपाउंड देन रिएक्ट विथ सिल्वर हेलाइड टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड और यही सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड क्रिस्टल के सरफेस पर लोकेटेड होते हैं जिसे हम सेंसिटिविटी सेंटर या सेंसिटिविटी स्पैक कहते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ब्लू सेमी सर्कल हैं जो सेंसिटिविटी सेंटर हैं इसी सेंटर में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं और लेटेंट इमेज के बनने की शुरुआत होती है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक्सरे ट्यूब है ये पेशेंट है ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और ये रेडियोग्राफिक फिल्म है जो दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में सैंडविच है एक्सरे ट्यूब से जब एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं तब उनके पास इमेज के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जब ये पेशेंट की बॉडी से पास करते हैं तब इनके पास इमेज के लिए इन्फॉर्मेशन होती है जब एक्सरे फ़ोटोन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं तो लाइट फ़ोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं यही लाइट फ़ोटोन रेडियोग्राफिक फ़िल्म को एक्सपोज करते हैं जिस क्रिस्टल तक लाइट पहुंच जाती है वो एक्सपोज हो जाते हैं और जहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती वो अनएक्सपोज रहते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड वाले जो हैं वो एक्सपोज क्रिस्टल हैं जो ग्रीन वाले हैं वो अनएक्सपोज क्रिस्टल हैं लाइट फ़ोटोन के द्वारा फ़िल्म के एक्सपोज होने पर एक इनविजिबल इमेज बनती है जिसको हम लेटेंड इमेज कहते हैं लेटेंट इमेज फॉर्मेशन पर जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें से गर्नी एंड मॉथ थ्योरी ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है मैं आपको इसी थ्योरी के बारे में बताऊंगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल है जब लाइट या एक्सरे फोटोन क्रिस्टल पर स्ट्राइक करते हैं तो ब्रोमीन आयन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड गेट न्यूट्रलाइज टू ब्रोमीन एटम एंड आल्सो लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन चलिए देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या होता है यहाँ पर लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन सेंसिटिविटी सेंटर पर ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से सेंसिटिविटी सेंटर नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है उसके साथ साथ जो ब्रोमीन एटम होता है वो इमल्शन में या जेलेटिन में चला जाता है अब बारी आती है थर्ड स्टेप की यहाँ पर जो सेंसिटिविटी सेंटर है जिसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है बिकॉज ऑफ प्रजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा फ्री सिल्वर आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा जिससे सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएगा और मेटलिक सिल्वर एटम बनाएगा नियर द सेंसिटिविटी सेंटर अब बारी आती है अंतिम स्टेप की यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेप दोबारा रिपीट होते हैं लाइट फोटोन क्रिस्टल पर स्ट्राइक करता है ब्रोमीन आयन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रोमीन एटम में कन्वर्ट हो जाता है और जेलेटिन में चला जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है वो सेंसिटिविटी सेंटर में ट्रैप हो जाता है जो फ्री सिल्वर आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनको न्यूट्राइज कर देता है into metallic silver atom the same process is repeated many time and more silver ion get converted into metallic silver atom which is black that result in formation of an invisible image called latent image this invisible latent image can be converted into visible image by processing बस यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद